क्या कभी आप लोगों ने सोचा है, जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर में जब गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब से जिरन पर हमला किया था, तब किस तरीके से उन दोनों की बहुत लड़ाई के बाद जिरन स्पिरिट बॉम्ब को बहुत ही आसानी से गोकू पर वापस फेंक देता है और उसका असर उल्टा हो जाता है, क्योंकि गोकू उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ज्यादा प्रेशर लेने के कारण उसकी जो हिडन पोटेंशियल होता है, जैसा कि वीस ने भी हमें उस टाइम एपिसोड में बताया था, वो रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से गलती से ही वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन स्टेट को हासिल कर लेता है और एक बार उसको एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसके बाद उसको हासिल करना उसके लिए आसान हो जाता है। बट क्या हो अगर उसकी जगह वेजिटा हो, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं वेजिटा यूनिवर्स ब्लू। गोकू यूनिवर्स ब्लू को तो सब जानते हैं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी बाप है, तो वेजिटा यूनिवर्स ब्लू कैसा होगा? और बहुत सारी कमाल की बातें बताऊंगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन के लिए गोकू ने ये पहली बार नहीं करा है, बल्कि डीबीजी में सुपर एंड्रॉइड 13 वाली मूवी में भी वो इस चीज को पहले कर चुका है, जब गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लेता है सुपर एंड्रॉइड 13 को हराने के लिए, जो कि बहुत कमाल की फाइट थी। यहाँ तक कि सुपर एंड्रॉइड 13 ने गोकू के कहाँ कहाँ वार करा है, कहाँ कहाँ नहीं, ये तो आप मूवी में जानते ही होंगे। लेकिन इस चीज से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने जो स्पिरिट बॉम्ब है वो सबकी स्पिरिट से बनता है, तो उसको एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को, पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है, और जितना ज्यादा सुपर सैयन का लेवल होगा, जैसे कि सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, उतनी ही ज्यादा ये चीज खतरनाक होगी। और यहाँ तक कि नॉन कैनन सीरीज सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में जब गोकू यूनिवर्स ट्री की पावर को इसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो यूनिवर्स ब्लू गोकू बन जाता है, ये हम सब जान चुके हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत पहले अपनी वीडियोस में बता दिया था। अगर नहीं देखी है तो बाद में देख लेना उस वीडियो के, कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके बाद गोकू बन जाता है एक यूनिवर्स जितना ताकतवर। लेकिन आज इस वीडियो में हम बहुत ही कमाल की बात करेंगे कि अगर गोकू एक सैयन वॉरियर की बजाय प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वेजिटा होता और वो इस तरीके से यूनिवर्स ट्री की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता तो क्या होता। और हाँ, जो लोग सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि गोकू और वेजिटा जब फू की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वेजिटा एक न्यू फॉर्म को भी हासिल कर लेता है। उस फॉर्म की वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करें ड्रैगन बॉल सुपर में, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर में यूनिवर्स ट्री ही नहीं है। तो इसलिए हम ड्रैगन बॉल सुपर को आज साइड में रखेंगे और बात करेंगे सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की, जिसमें बहुत सारी कमाल की चीजें होती हैं, और इस चीज की होने की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रमोशनल एनिमे है गेम का, और जितनी पब्लिक डिमांड होगी उतनी ज्यादा ही चीजें होने की संभावना बढ़ेगी। अब तभी तो ड्रैगन बॉल सुपर हिंदी में आ गया जब इंडिया में डिमांड हुई है, तो डिमांड करो भाई, जो भी चाहिए उस चीज की डिमांड करो। तो अगर मैं खास बात के बारे में बताऊं कि अगर वेजिटा यूनिवर्स ट्री की पावर को यूज करके यूनिवर्स गॉड ब्लू को अचीव करता है या कुछ और, वो इवॉल्व यूनिवर्स गॉड ब्लू भी हो सकता है, क्योंकि वेजिटा ब्लू फॉर्म का एक नेक्स्ट लेवल भी यूज कर सकता है, और शायद वो गोकू के यूनिवर्स ब्लू फॉर्म से थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि लॉजिक भी इसी चीज का बनता है। और यहाँ तक कि वेजिटा का बिहेवियर जैसे गुस्से वाला है और गोकू का शांत है, तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं इन चीजों में। और गोकू के पास एंजल्स की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और वेजिटा के पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की अल्ट्रा ईगो। तो गोकू ने जब यूनिवर्स ट्री की पावर को यूज करा तो यूनिवर्स गॉड ब्लू अचीव करा, क्योंकि अगर बात करें गोकू की बाकी की फॉर्म्स की, तो वो ज्यादा पावर और स्टेमिना को कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से गोकू इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता, और सिर्फ ब्लू ही एक ऐसी फॉर्म है जिसको वो यूनिवर्स ट्री की पावर के साथ मिक्स कर पाया, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ नहीं। और सुपर सैयन ब्लू कायोकेन में बहुत ज्यादा कंसेप्शन है, तो इसलिए सिर्फ गोकू के पास सुपर सैयन ब्लू बचता है, जिसकी वजह से वो बनता है यूनिवर्स गॉड ब्लू। बट वेजिटा के केस में अगर मैं बात करूं तो बड़ी कमाल की है, क्योंकि वेजिटा के पास ब्लू फॉर्म का नेक्स्ट अपग्रेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया एवोल्यूशन सुपर सैयन गॉड या इवॉल्व सुपर सैयन ब्लू, जो कि नॉर्मल सुपर सैयन से ज्यादा पावरफुल है और पावर कंजप्शन भी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वेजिटा उस फॉर्म को बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है और थोड़ा चौड़ा भी हो जाता है इस मॉब में। तो मेरे हिसाब से वेजिटा अचीव करेगा यूनिवर्स गॉड एवोल्यूशन ब्लू, जो होगी कोकू के यूनिवर्स ब्लू से ज्यादा ताकतवर। बाकी आपका क्या कहना है, कौन सी फॉर्म ज्यादा ताकतवर होगी, कोकू की यूनिवर्स गॉड ब्लू या वेजिटा की इवॉल्व यूनिवर्स गॉड ब्लू, कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आप लोगों को इनका एक डिटेल वर्सेस में टॉपिक चाहिए कि इन दोनों की अगर फाइट होगी तो क्या होगा, तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। अब आप लोग बोलते नहीं हो तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इतनी सी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहमेहा। Yeah.